नमस्कार, वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। आपके साथ मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले के विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत चीडोडीह के ग्रामीण आज भी शौचालय के अभाव में खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। आपको विदित हो कि ग्राम पंचायत चीडोडीह शासकीय दस्तावेज के आधार पर खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित हो चुका है, जिससे अब ग्राम पंचायत का दर्जा मिल चुका है, जिसके बाद भी बदहाली आलम जस का तश बना हुआ है। आपको बता दें कि यह क्षेत्र पूरा का पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में इस गांव के ग्रामीणों को शौच करने के लिए जंगल झाड़ियों तथा खेतों में जाना पड़ता है, जिसके कारण बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घसियाराम, कहाँ के रहने वाले? पखना। आप लोग का शौचालय बना है कि नहीं बना है? नहीं बना। तो कहाँ जाते हो आप लोग? नदियांग। नदी में जाते हैं? कितना परेशानी होता है आप लोग शौचालय नहीं बना है तो? परेशानी तो नहीं है साहब, लेकिन जब हम नदियांग का वो अंगले नहन के बिहाने आप बताइए कि आप लोग के यहाँ शौचालय कितना निर्माण हो चुके हैं? शौचालय पूर्ण हो चुका है सर। कितना बनवाए हैं? 312। 312। शौचालय किसी का अपूर्ण थोड़ी है? अपूर्ण अभी तक नहीं है, और एक चार पांचवा पूर्ण था उसको काम के लिए जारी कर दिए हैं। जारी किए हैं। कब तक बन जाएंगे बाकी शौचालय? एक सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएंगे। तो चार पांच घर के लोग जो शौचालय जिसके पास नहीं बना होगा, लोग कहाँ जाते हैं शौच करने? उन लोग अभी अगल बगल के पड़ोस वालों के यहाँ जा रहे हैं शौच करने। शौचालय निर्माण के लिए शासन प्रशासन से स्वीकृत राशियों को सरपंच तथा सचिव ने आपस में मिलकर बंदर बांट कर दिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के शौचालय आज भी आधे अधूरे निर्माण कर छोड़ दिए गए हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो चीडोडीह पंचायत में 25% लोगों के घरों में शौचालय बनाया गया है, बाकी 75% लोगों के घरों में शौचालय नहीं होने के कारण वे सभी गांव के बाहर खुले में शौच करने जाते हैं, जिन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत चीडोडीह के सचिव से आधे अधूरे शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी चाही गई, तो अधूरा शौचालय को बनवा कर देने की हवाला देकर टाल मटोल करते नजर आए। टाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।